तो दोस्तों ये आपका हाईवे है, इधर आपको बरौनी जंक्शन चल जाएगा है ना रोड, और ये आपको बेगूसराय जंक्शन। ये आपका कॉलेज का मेन गेट है, यहाँ से आप इन कर सकते हैं ठीक है। और बेगूसराय से आपको यहाँ पर आना है तो आपको ऑटो मिल जाएगी ओके, और ऑटो आराम से आपको यहाँ पर आप बोलिएगा कि हमको पॉलिटेक्निक कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज हमको ले जाना है ठीक है, नहीं तो आप अपना मैप चालू करके रख सकते हैं। वैसे यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पॉलिटेक्निक कॉलेज का ये गेट है समझे, इस गेट से भी आप अपने जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हैं है ना, लेकिन मेन गेट ये वाला है जो गार्ड रूम लिखा हुआ है ना, वही ये लिखा ना राजकीय पॉलिटेक्निक है ना, राजकीय पॉलिटेक्निक बरौनी बेगूसराय पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है राइट, ये वाला है पुराना पहले का है। और यहाँ से हमारा मेन गेट है और ये आपका मेन हाईवे है, सामने क्या है जी पेट्रोल पंप है, हाँ पेट्रोल पंप है बड़ा सा। तो दोस्तों हम लोग कॉलेज के अंदर इन करते हैं, क्या बोल रहे दोस्तों, यहाँ काम अभी भी चल रहा है जैसे कि मैंने आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ अभी काम चल ही रहा है, आप सामने देख रहे हैं ट्रैक्टर जा रहा है, उस पर ईंट है। ये दोस्तों देखिए ओपन एयर ऑडिटोरियम है, बगल में आपका SBI ATM है समझ रहे हैं, तो पैसा वगैरह है तो पैसा वगैरह निकालना होगा तो आप कॉलेज के अंदर ही निकाल सकते हैं ठीक है। चलो कहाँ से निकालेंगे, देख रहे हैं आप ओपन एयर ऑडिटोरियम है, इधर कुछ बन रहा है दिख रहा होगा शायद आपको, इधर तो इतना सारा पेड़ है, इतना सारा पेड़ है जिसका कुछ कहने का जोग नहीं। हाँ लाइब्रेरी है, कैफेटेरिया है, ये वाला ये तो लाइब्रेरी, चलो देखते क्या होता है। दोस्तों ये गार्ड अंकल हैं, ये हमेशा यहाँ पे बैठे रहते हैं, सबकी सब गार्ड लोगों के यहाँ पे ड्यूटी होती है तो आपको हमेशा कोई ना कोई गार्ड यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप अनजान रहेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप कौन हैं, किस काम से अंदर जा रहे हैं समझे। थक गए तुम। अब ये रोड देखिए, एक लेफ्ट जा रही है और एक राइट जा रही है समझे, और सामने आपको बोर्ड भी दिख रहा होगा, मैं आपको बोर्ड अच्छे से नज़दीक से दिखाऊंगा ओके। और ये जो लेफ्ट है आपको दिख रहा है कॉलेज वाले रास्ता में ये जाती है, और ये रास्ता देख लें आप बॉयज़ हॉस्टल के रास्ते की तरफ ये रोड जाती है, और आप बोर्ड में देख सकते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल है लेफ्ट साइड में ओके, उधर भी स्टाफ है, उधर भी गेस्ट हाउस है, और राइट साइड में इधर आपको बॉयज़ हॉस्टल तीन को मिल जाएगा, उसमें से एक को चालू है। ये मैं आ गया हूँ सामने फ्रंट पे ठीक है, मतलब दूर से, और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर इंजीनियरिंग कॉलेज ओके। सामने से आप देख सकते, थोड़ा जूम करके मैंने दिखाया ना, और नज़दीक भी हम लोग चलेंगे बट मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ओके। तो लेट्स गो, यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में जी जो रोड जाती है इधर से ही आप गर्ल्स हॉस्टल है, और इधर ही स्टाफ का जो क्वार्टर, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना उनका क्वार्टर इधर से ही जाता है रास्ता है ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये शेड है, यहाँ पर आप साइकिल बाइक कार जो कुछ भी लगाना है आप लगा सकते हैं ठीक है। ये सब पेड़ वगैरह आप देख सकते हैं अच्छे से लगा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं कॉलेज के रास्ते, ये सब आपको दिख रहा है वहाँ से हम लोग आए थे, सामने जो दिख रहा है ना वो कैफेटेरिया वाला है। अब हम लोग अंदर वाली रोड में चलते हैं कॉलेज के अंदर।
कॉलेज के अंदर नहीं जाएंगे, मतलब कॉलेज के बाहर से ही आपको रूबरू मतलब दिखवाएंगे अच्छे से। अंदर मैं गया हूँ अकेले, ठीक है, शाम का वक्त था तो मैं गया था अंदर, तो मैं उधर आपको क्या दिखाता, ठीक है, बाहर से देख लो, और बाद में कभी मौका मिलेगा तो अंदर से भी मैं दिखाऊंगा। इधर देख लो बगल में जंगल वगैरह, सांप वगैरह भी रहती है इधर, बच के जाना, ठीक है, ज़्यादा उछल कूद नहीं करना। ये देखिए हम लोग काफ़ी करीब आ गए हैं कॉलेज के, अब थोड़ा सा इधर देख लेते हैं कौन कौन से फूल लगे हुए हैं, इतने सारे देख लो आप साइड में, अभी छोटे छोटे हैं, कुछ समय में बड़े हो जाएंगे ये लोग। अच्छा पानी वानी देने लगता है, देखो डस्टबिन वगैरह सब है, फूल वगैरह अच्छे से लगे हुए हैं। यहाँ पर देखो गार्ड अंकल यहाँ पर भी हैं, ये सामने चलते हैं, इधर देखो फूल है, किधर इधर, अरे क्या है इसमें, मछली रहता है, अभी मैं पत्थर फेंक के वो मछली आ, छोटा लो फेंकना, छोटा का कहाँ, मछली मछली तो नहीं है, तुम झूठ बोलते हैं, मछली नहीं है, ज्यादा नहीं तुम बोल रहे हैं कहाँ है मछली, मछली आपकी वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ पर झंडा फहरा जाता है ना, ये देख लो आप थोड़ा सा नजदीक से, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर इंजीनियरिंग कॉलेज RRS DCE, ओके, वर्कशॉप ब्लॉक, ये पता नहीं क्या है किस लिए है, वो तो रौनित मुझे बताया नहीं, अब मैं थोड़ा सा मैं घास पे मैं लेटने वाला हूँ, ठीक है, और इस एंगल से भी आप कॉलेज को देख लीजिए, लिखा हुआ है ना सही, देखो वो जो दो लोग हैं चारों तरफ घूम रहे हैं। सुबह का टाइम है, कोई अभी आया नहीं है तो चलो घूम लेते हैं सब, ये दो लोग लगता है पहले आ गए, अब हम लोग इधर से निकल रहे हैं, उधर क्वार्टर है ना, उधर स्टाफ जो क्वार्टर होते हैं प्रोफेशनलों का, उधर क्वार्टर इधर इधर से है ना, इधर से शॉर्टकट है वैसे, देखो रास्ता है ना मिट्टी का, वो तो वो उधर से भी हम लोग जा सकते हैं, बट ये है, ये देखो ले 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 कितना प्यारा है क्या हो गया सब बाघ में यार, मैं आया तो सब चला क्यों गया यार, एक इधर देखो चटपटा आ गया सो गाइस देख लीजिए, यही हमारा कॉलेज है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, RRS DCE बेगूसराय, राइट, एकेडमिक एडमिन एंड वर्कशॉप ब्लॉक, समझ रहे हैं ना, ये हो गया, अब आप ये सब देख चुके हैं, सामने लाइब्रेरी है, ओके, एंड नाउ अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ रेसिडेंशियल एरिया, ठीक है, ये जो शेड है आपको पता है, यहाँ पर गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं, समझे, यहाँ पर बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है, बहुत सारा पेड़, एक दो साल में इतना बड़ा हो जाएगा ना कि बहुत ज़्यादा मतलब बेहतर लगेगा, टॉप, ये देखिए प्राचार्य निवास आवास है, ओके, ब्लॉक ए है, राइट, ये देखिए आपके यहाँ लिखा होगा, वैसे नॉर्मल हो कि इधर जाना माना है, नो एंट्री लिखा हुआ है क्योंकि इधर प्रिंसिपल क्वार्टर है, गर्ल्स हॉस्टल रेजिडेंशियल एरिया है ना, और फैकल्टी का भी इधर ये है, क्या बोलते हैं प्रोफेसर का क्वार्टर भी है, तो ये पहले आपने देख लिया प्राचार्य का क्वार्टर, प्रिंसिपल क्वार्टर, ये जो सामने आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, गर्ल्स हॉस्टल, ओके, ये आपका सुंदर सुंदर सा पेड़ है,
रास्ता है जिसको हम लोग टच करेंगे टच करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये गर्ल्स हॉस्टल है। ओके, एक है ये, एक उधर पीछे बन रहा है नया गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल 2। ओके, यहाँ डिलीवरी वाले भी आ जाते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका प्रोफेसर का क्वार्टर है। जैसा कि मैंने लाया था, ये जो ब्लॉक इधर है ये सब सारे रेसिडेंशियल एरिया है, है ना। उसी तरह से ये क्या है आपका प्रोफेसर का क्वार्टर है, और इसके जस्ट पीछे जो देख रहे हैं आप, है ना, ये पेन लोग जो होते हैं ना, जूनियर स्टाफ, उनका क्वार्टर है। ओके, और बाकी तो आपको सामने दिख रहा है, बगल में लेफ्ट प्रोफाइल है कॉलेज का, सॉरी राइट प्रोफाइल है कॉलेज का। ओके, बहुत सारे पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं। ओके,